अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम गुलहान और आप रहे हमारे साथ हमारे गुल किचन में। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है फांसे की खट्टी मीठी चटनी। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। फांसे हमने लिए हैं 2 किलो, चीनी हमने ली है 1/2 किलो। चीनी आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 किलो फांसे और 1 किलो चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन ये हमने खट्टी मीठी चटनी बनानी है इसलिए 1/2 किलो चीनी हमने ली है। सिरका इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून, गार्निशिंग के लिए 4 मगज आएंगे और बादाम, ये आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी इसमें डाल सकते हैं। इसमें टार्टरिक जाएगी 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून इसमें काला नमक है, 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा जीरा है, 1/2 टीस्पून इसमें रेगुलर नमक है, 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून रेगुलर रेड मिर्च है इसमें। और पानी इसमें हम लेंगे तकरीबन 2 से 2.5 कप। फूड कलर इसमें जजाएगा तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने चूल्हे पे रखी है, फ्लेम आपने लो करना है और साथ में हम इसमें फांसे ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके चीनी डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पानी इसमें मैं 1 कप डाल दूंगी और इसे मिक्स करके हम अच्छे से लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख देंगे। ये तकरीबन हमने 8 से 10 मिनट हमने इन्हें पकाना है ताकि फांसे हमारे अच्छे से गल जाए और ये पानी भी इसका जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने सारे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। और ये हमारा फांसे की हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। बस ये देखें इतना सा गहरा हो, बहुत ज़्यादा हमने इसको गहरा नहीं करना। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे। फांसे की चटनी हमारी रेडी हो चुकी है, इसे मैंने डिश आउट करके इसके ऊपर बादाम और 4 मगज को स्प्रिंकल कर दिया। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।